जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ प्रवीण पवार। उत्तर प्रदेश की कैराना संसदीय सीट पर लगातार समीकरण बदल रहे हैं। कैराना संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 के संसदीय चुनाव में प्रदीप चौधरी कैराना संसदीय सीट से चुनाव जीते थे, जिसमें उन्होंने सपा राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की उम्मीदवार तबस्सुम हसन को चुनावी मैदान में मात दी थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा है। सभी की निगाहें बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पर है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऐलान होने के बाद कैराना संसदीय सीट पर टिकट के दावेदारों के बीच कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति है। उनके समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। उसको लेकर कैराना संसदीय सीट के क्या समीकरण बदले हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई। अब कैराना संसदीय सीट पर मुख्यतः दोनों दलों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी से इकरा हसन और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। आपको पता ही है कई दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से, जिनमें मनीष चौहान भी थे। उसके बाद उनके समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव परवेश भाई? चुनाव में दो चीज होती है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिलहाल जो मुझे लगता है, शायद भाजपा की केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों बिगड़ने की स्थिति में है। केमिस्ट्री तो मनीष चौहान के जो विरोध, मुखर विरोध हुआ, हर जगह हुआ, गांव-गांव हुआ, अभी भी चल रहा होगा लगभग। केमिस्ट्री तो वहां से बिगड़ी। और मैथमेटिक्स, जहां तक मुझे लगता है, इस विरोध के बाद अगर बसपा ने अपना कैंडिडेट सैनी समाज से उतार दिया तो मैथमेटिक्स भी बिगड़ने की स्थिति में नजर आ रहा है। चर्चाएं हैं, तो शायद मैथमेटिक्स भी बिगड़ जाएगा। तो कैराना संसदीय सीट पर ये मनीष चौहान समर्थक जो इतना विरोध कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा जाता है कि जो हाईकमान ने तय कर दिया वो हर एक कार्यकर्ता को स्वीकार होता है। देखो, चुनाव से पहले तो मनीष चौहान खुद टिकट का दावेदार थे, तो अपनी फील्डिंग लगा रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे लगातार। प्रभाव सब कोई करता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं थी। डिक्लेयर चुनाव प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद अगर उनका जो विरोध है, हालांकि कुछ कम हुआ है अंदर खाने भले ही हो, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। एक समय बिल्कुल अनुशासित पार्टी भाजपा मानी जाती थी, तो शायद मनीष चौहान उसके बाद विरोध करने के बाद गलती कर रहे हैं। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, समर्थक कर रहे हैं। हालांकि मनीष चौहान तो यही कह चुके हैं कि उन्होंने तो लगातार प्रयास किया, उनकी जो मेहनत थी उसमें ऐसी क्या कमी थी जो उन्हें मौका नहीं दिया गया? नहीं, ठीक है, मनीष चौहान ने प्रयास किया, नहीं मौका मिला। अब कमी क्या है, तो भाजपा का जो हाईकमान है वो जानता होगा, उन लगाओगे कि प्रदीप चौधरी सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि मेरा पर्सनल भी मानना है कि सीट पे फिलहाल भी प्रदीप चौधरी से मजबूत कैंडिडेट भाजपा के पास नहीं है। जो टेस्टेड कैंडिडेट है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा भी मानना है। अब मनीष चौहान उसके बाद भी अब अपने आप को मजबूत मानते, चूंकि अब तो टिकट डिक्लेयर हो गया, शायद उन्हें कहीं लगता हो कि अभी भी, चूंकि आज लिस्ट आएगी, हो सकता है कहीं से आश्वासन हो कि अभी भी टिकट बदला जा सकता है। ये इसके अलावा मुझे और कोई कारण नजर नहीं आता। टिकट बदल ले तो परिस्थिति फिर बदल जाएगी। देखिए, परिस्थिति बदलेगी, कितनी बदलेगी, लेकिन एक बात फिर कह रहा हूं कि भाजपा फिलहाल थोड़े संकट में है, लगभग कई सारी सीटों पर संकट में, खाली कैराना पे नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर खाने विरोध तो है, जो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर और बहुत सारे, महंगाई का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उनकी वजह से भाजपा थोड़ी संकट में नजर आती है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, सांसद का पर्सनल विरोध बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्यों है, बिरादरी में ज्यादा विरोध है, शायद वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पाए, ऐसी कहीं वजह रही होंगी। बहरहाल एक परसेप्शन बन गया कि भाजपा सांसद की जो प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी, उनका विरोध है। 84 वर्सेस 52, हाँ, ये भी एक मामला चल सकता है। चूंकि जो, जब मैं उधर गया था कैराना क्षेत्र में, तो मैंने उनकी एक भावना नजर आई वहां के लोगों की, वो चाहते हैं कि सांसद ही कैराना में रहनी चाहिए, जैसे मैं भी चाहता हूँ कि सांसद ही गंगो में रहे, हर कोई चाहता है अपने क्षेत्र में। मेरे ख्याल से जो सीट 2 जिलों में गई है ना, अब उसके असली प्रभाव आने सामने शुरू हुए हैं। तो वैसा ही अब गंगानगर में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये देखें तो लगभग 10 लाख के आसपास, 11 लाख के आसपास वोट उधर हैं, 8 लाख के आसपास इधर भी हैं। अगर टिकट बदला जाता है, सपोज करो मनीष चौहान को टिकट होता है, तो फिर ये भावना इधर भी होगी, ये भावना फिर इधर भी होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है सांसद मेरे आसपास रहे। और ये शायद नाराजगी मेन वजह ये कि हर कोई ये चाहता है कि सांसद मेरे आसपास रहे, बिल्कुल मेरे नजदीक रहे, या मेरी पहुंच में परमानेंट रहे, विधायक हो, सांसद हो, या कोई भी और लीडर हो, हर आदमी ये मान के चलता है। जो कैराना से काफी दूर है गंगो,
तो उन्हें लगता है यार हमारा सांसद बहुत दूर है, अभी कुछ उनके अंदर फीलिंग है कैराना में सांसद होना चाहिए, टिकट बदला जाएगा तो ये फीलिंग फिर गंगोर नकुड़ विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनके अंदर भी आएगी। राजपूत समाज भी लगातार मीटिंगें कर रहा है। देखिए राजपूत समाज की विरोध खाली इसी सीट पर नहीं है, राजपूत समाज का विरोध तो पूर्व तक जा रहा है। वो क्यों जा रहा है ये भी चीजें सामने नहीं आई, धीरे धीरे सामने आएंगी। मुझे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं राजपूत समाज पूरी सरकार से या कहीं किसी अज्ञात कारणों से कहीं ना कहीं उद्वेलित जरूर है। सरकार से कैसे नाराजगी हो सकती है जबकि विपक्ष तो यही कहता है कि भाजपा से विरोध होगा या किसी और चीज से अज्ञात कारण, मैंने पहले ही कहा है कहीं ना कहीं विरोध में है, कहीं ना कहीं उद्वेलित है। हो सकता है कि जैसे चर्चाएं हैं कि अमित शाह और योगी जी के बीच में 36 का आंकड़ा है, दरअसल एक प्रूफ तो सामने आया भी है, वो भी राजभर को भी मंत्री बना गया है, ओम प्रकाश राजभर को। और ये राजभर वही आदमी है जिन्होंने 2022 के चुनाव में योगी जी को लेकर बहुत गलत सलत बोला था, जो नहीं बोलना चाहिए था, एक सभ्य भाषा नहीं थी, मठ में भेज देंगे, कमंडल दे देंगे, भीख मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा वगैरह वगैरह सब यूज हुए थे। तो उसको जो मंत्री बनाया गया शायद किसी दबाव में बना गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें कहीं और भी हुई हैं, तो जो अमित शाह के या मोदी जी के या योगी जी के बीच में 36 के आंकड़े की चर्चाएं हैं वो सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चाएं तो हैं। तो हो सकता है राजपूत समाज का उस बात को लेकर कुछ गुस्सा हो, नाराजगी हो। अब कैराना संसदीय सीट को लेकर अंतिम सवाल आपसे यही है कि अगर अब इस स्थिति में चुनाव होते हैं, बहुजन समाज पार्टी से तो लगभग माना जा रहा है कि सैनिक समाज से उम्मीदवार होंगे, नाम भी चर्चाओं में है, तो क्या नतीजे कैराना संसदीय सीट का मान? एक चीज आप और भूल गए, ये मतलब जनता एक चीज पर ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ सपा ने एक बहुत बेहतरीन कार्ड और खेल दिया है, किरण पाल सिंह को MLC बनाया, किरण पाल कश्यप को जी, वो बहुत ही मतलब जनता के बीच बहुत घुले मिले व्यक्ति हैं, बनावट से दूर है, डाउन टू अर्थ आदमी, जमीनी आदमी है बिल्कुल। तो उनकी वजह से जो कश्यप समाज का वोट है, जो खासकर थाना भवन और कैराना, थाना भवन कैराना बहुत ज्यादा वोट है, वो वोट बहुत प्रभावी होने वाला है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि कम से कम 25-30 हजार वोट का डायवर्जन किरण पाल कश्यप करा सकते हैं, जैसी उनकी जनता में पैठ है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट, जो भारत भाजपा का कोर वोट माना जाता है। दूसरी तरफ अगर सैनी समाज का कोई कैंडिडेट बसपा उतारती है तो इसका नुकसान भी भाजपा को ही होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री तो बिगड़ी हुई थी, शायद मैथमेटिक्स भी बिगड़ता जा रहा है। तो फिलहाल आज की तारीख में इकरा को काफी एज है, प्रदीप चौधरी थोड़े संकट में मुझे नजर आते हैं। तो कैराना संसदीय सीट को लोकेश सलारपुरी जी का क्या क्या राय थी वो आपने सुनी, आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए LKB न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करिए। जय हिंद।